नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। जीएसटी रिफंड्स के रिगार्डिंग कुछ सर्टेन चेंजेस किए गए हैं। आप सबको पता है जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिसाइड किया गया था कि अगर एक्सपोर्ट के केस में कोई भी अपवर्ड साइड रिविजन होती है तो ऐसे में उस केस में जो एडिशनली आप टैक्स पे करते हैं उसका रिफंड जो है अब आप क्लेम कर सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर बेसिकली ये चेंजेस किए गए हैं। जीएसटी पोर्टल पर जब आप जाते हैं तो न्यूज एंड अपडेट सेक्शन के अंदर आपको रिफंड ऑफ एडिशनल आईजीएसटी पेड ऑन अकाउंट ऑफ अपवर्ड रिविजन के रिगार्डिंग यहां पर एक अपडेट मिलेगा, जिसमें बेसिकली बताया गया है आप कि अगर आपको आईजीएसटी रिफंड क्लेम करना है और कौन सा आईजीएसटी रिफंड जो आपने पे किया है ऑन अकाउंट ऑफ अपवर्ड रिविजन, जो आपने अपवर्ड साइड रिविजन किया है, फॉर एग्जाम्पल आपने 100 जो है डॉलर का लेट से एक्सपोर्ट किया और लेटर ऑन आपने जिसको भी एक्सपोर्ट किया उसके साथ जो है आपकी टर्म जो है अपवर्ड साइड जो है इसको 120 डॉलर जो है कर दिया गया। तो ऐसे में अब आप क्या करते हैं, इस 20 डॉलर के रिगार्डिंग आप जो भी आपकी एडिशनल जीएसटी लाइबिलिटी होती है वो आप पे करते हैं और उसके बाद इसका रिफंड अगर आपको क्लेम करना है तो अभी तक काफी सारी जो है प्रॉब्लम्स आ रही थी, उन्हीं प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया कि पहले तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कहा गया कि आपको अपवर्ड साइड रिविजन के लिए जो है अब आपको रिफंड अलाउ किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन नंबर 12/2024 इशू की गई, इसके अंदर अब कहा गया है कि जब आप जीएसटी रिफंड एप्लीकेशन जो है फाइल करेंगे तो यहाँ पर आपको जीएसटी रिफंड एप्लीकेशन के लिए सर्विसेज में यूजर सर्विसेज के अंदर जो है माय एप्लीकेशन दी गई है, जिसके तहत आप बेसिकली क्या करते हैं आप अपनी जीएसटी रिफंड एप्लीकेशन मूव करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी आपके रिफंड के रिगार्डिंग जो एप्लीकेशन है न्यू एप्लीकेशन पर आप क्लिक करते हैं। After that, यहाँ पर जो है न्यू एप्लीकेशन के तहत बेसिकली अब आपको करना क्या है, जो रिफंड आपको अवेल करना है उसके लिए यहाँ पर बताया गया कि आपको जो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है वो एनी अदर कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और उसके बाद आपको स्पेसिफाई करना है विद रिमार्क रिफंड ऑफ एडिशनल आईजीएसटी पेड ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस सब्सिक्वेंट टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड अपलोडिंग ऑफ स्टेटमेंट 9A and 9B। तो यहाँ पर बेसिकली आपको ये रिमार्क जो है एंटर करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जब रिफंड एप्लीकेशन मूव करेंगे तो यहाँ पर आपको एनी अदर जो है ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उसके बाद जो भी टैक्स पीरियड है फाइनेंशियल ईयर जो भी जिसके लिए आप रिफंड जो है अवेल करने जा रहे हैं वो पीरियड आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है एंड क्रिएट रिफंड एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर जो है स्पेसिफिकेशन देनी है, इस स्पेसिफिकेशन के अंदर अब आपको बताना है कि ये जो है आपको रिफंड ऑफ एडिशनल आईजीएसटी पेड ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस सब्सिक्वेंट टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, तो ये आपको यहां पर मेंशन करना है जब भी आप अपवर्ड साइड रिवीजन के लिए अगर रिफंड क्लेम करने जा रहे हैं। तो ये बेसिकली जीएसटी के अंदर एक बदलाव किया जा रहा है। तो आई होप जो भी लोग जीएसटी रिफंड्स के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए हमारी यह वीडियो यूजफुल रहेगी। व्हाट्सएप चैनल पर आपको हमारे डेली अपडेट्स मिल जाते हैं और एक बार जरूर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in, जहां पर इनकम टैक्स जीएसटी टीडीएस ईएसआईसी ईपीएफ के रिगार्डिंग बहुत सारे अच्छे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं बनना चाहते हैं एक्सपर्ट तो ऐसे में कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, देखते रहिए लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस।